जय श्री राम मित्रों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2001 के पार्लियामेंट अटैक और एक ऐसे टेररिस्ट के बारे में जिसको जब फांसी दी गई तो देश के प्रतिष्ठित संस्थान जेएनयू में उसकी मौत के बाद देश विरोधी नारे लगे और वहां के छात्र नेताओं ने देश के विरुद्ध में जाकर ये तक स्लोगन चलाया था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उस मास्टरमाइंड तो नहीं कहेंगे इस पूरे अटैक का, लेकिन एक पार्ट था वो इंसान जिसने इस अटैक को अंजाम देने में काफी हद तक मदद की थी। तो उस इंसान का नाम है अफजल गुरु। तो कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अफजल गुरु आखिर है कौन, कहाँ से स्टार्ट हुई इसकी ये जर्नी। तो अफजल गुरु एक एमबीबीएस का ड्रॉप आउट था जिसने 1990 में जब जम्मू कश्मीर में जेकेएलएफ का जो मोमेंट था वो अपने पीक पे चल रहा था उस वक्त उसने उन्हें ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के लिए पीओके के मुजफ्फराबाद में चला गया जहाँ उसकी 15 दिनों की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद उसे AK-47 बंदूक दे गए और साथ ही साथ उसे ये ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कैसे अटैक किया जाए, साथ ही साथ ब्रिजेस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इन सारी ट्रेनिंग्स के बाद वो दोबारा से लौट के आ गया जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ पे आने के बाद जब बीएसएफ ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वो वहां से भग के दिल्ली शिफ्ट हो गया जहाँ पे ये अपने भाई शौकत के साथ रह रहा था मुखर्जी नगर में। इसके बाद इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया और वहां पे इसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1994 में। इसके बाद इसने दिल्ली में ही अपना एक मेडिकल शॉप स्टार्ट किया और ये काम उस 2-3 साल तक करता रहा। फिर 1997 में वो दोबारा से कश्मीर लौट गया और वहां जाके उसने यही काम वहां पे भी शुरू किया और ये काम उसका काफी हद तक चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी थी। इसके बाद इसकी मुलाकात फरवरी 2001 में एक मस्जिद में तारिक अहमद नामक इंसान से होती है जहां उससे बात करते करते उसकी उससे दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे जब उसकी दोस्ती बढ़ जाती है तो तारिक अहमद बताता है अफजल को कि वो जैसे मोहम्मद का एक कार्यकर्ता है और वो अफजल को कन्विंस करता है कि वो भी ज्वाइन कर ले जैसे मोहम्मद को। इसमें उसको ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी साथ ही साथ वो अपने लोगों के लिए लड़ने का उसे मौका भी मिलेगा। इन सारी चीज़ों से कन्विंस होकर अफजल जैसे मोहम्मद ज्वाइन करने का निर्णय लेता है। इसके बाद तारिक उसे गाजी बाबा जो कि सुप्रीम कमांडर था जैसे मोहम्मद का उससे उसे मिलवाता है जहाँ पे गाजी बाबा अफजल को ये प्लान बनाता है कि प्लान बताता है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली में ये लोग एक बड़ा अटैक करने वाले हैं जिसको लेके अफजल को ये काम करना है कि वो जो टेररिस्ट जो ये लोग भेजेंगे अपने उनको वहां रहने का इंतजाम कराए, बदले में वो अफजल को 10 लाख रुपए साथ ही साथ पाकिस्तान में एक घर देंगे। अफजल जब ये बात सुनता है तो उसे ये भी लगता है कि ये छोटा सा काम है, इतना हेल्प तो मैं कर ही दूंगा। तो इसके लिए वो अपने भाई शौकत का मदद लेता है कि वो रूम का अरेंज करें। और ये जो टोटल टेररिस्ट आने वाले थे टोटल 5 थे जिनका नाम है मोहम्मद, राजा, हैदर, राणा और हमजा। मोहम्मद जो था वो इनका लीडर था। तो इसके बाद अफजल वहां से मोहम्मद को लेकर पहले दिल्ली आता है, बाकी के 4 कुछ दिनों बाद आते हैं। इस तरह से दिसंबर के पहले हफ्ते तक 5ों टेररिस्ट दिल्ली में थे और ये सारा प्लान ये लोग शौकत के घर पे करते थे जहाँ पे अफजल, शौकत और शौकत की बीवी भी थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने साथ एक जो अरेबिक टीचर थे जो कि वहीं पे पढ़ाते थे, गिलानी नाम था, उन्हें भी ज्वाइन करा लिया था अपने साथ जो कि सारे लोग मिलकर हेल्प कर रहे थे इस पूरे मामले में। तो अफजल ने इन सबके लिए फोन और सिम का अरेंज किया। फोन जो थे वो सोनी एरिक्सन और मोटोरोला के थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मोहम्मद था जो इनका मेन लीडर था उसने पहले डिफरेंट लोकेशंस को चेक किया जहाँ पे वो अटैक कर सके। इसके लिए उसने यूके और यूएस के एम्बेसीज को देखा, एयरपोर्ट और पार्लियामेंट को देखा। बाद में वो जब ये सारी चीजें गाजी के साथ डिस्कस किया तो उन लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि उनका अटैक जो होगा वो पार्लियामेंट के ऊपर होगा। इसके लिए उन्हें अब एक्सप्लोजिव का भी इंतजाम करना था क्योंकि और इन्होंने सिर्फ वहां से अपने साथ गन्स ही लाए थे। तो इसके लिए इन्होंने जो एक्सप्लोजिव बनाने थे उसके लिए मटेरियल्स खरीदे, साथ ही साथ पुलिस यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड्स और एम्बेसडर कार भी खरीदी और उसके ऊपर लाल बत्ती लगाने का भी इंतजाम किया। साथ ही साथ इनका यह भी प्लान था कि ये पार्लियामेंट के अंदर अटैक करके वहां पे हॉस्टेज का बनाए। इसके लिए उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम किया था, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए थे। इसके बाद जब सारा चीज सेट हो गया और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये जो अटैक है ये 13 दिसंबर को ये लोग अंजाम देने वाले हैं, तो मोहम्मद ने अपना लैपटॉप और 10 लाख रुपए अफजल को दी और लैपटॉप इसने बोला था कि ले जाके वहां पे तारिक को दे देना पीओके में और 10 लाख रुपए जो है वो तुम, शौकत और गिलानी आपस में बांट लो। इसके बाद शौकत और अफजल श्रीनगर के लिए रवाना हुए और गिलानी जो था वो नहीं गया। इसके बाद का जो प्लान है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इनका जो पूरा प्लान था वो अटैक करना था पार्लियामेंट के ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 12 गेट्स हैं और इन 12 गेट्स को जो कवर करता है वो 7 गेट्स हैं आयरन गेट्स जिसके थ्रू एंट्री करने के बाद आप अंदर आएंगे और अलग अलग गेट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं जहां से एंट्री ले सकते हैं। साथ ही साथ इनकी 3 लेयर्स में सिक्योरिटी की जाती थी, पहले ITBP वाले, फिर CRPF और दिल्ली पुलिस, ये 3 लोग मिलकर इसकी सिक्योरिटी देखा करते हैं। उस समय पे जब इन लोगों ने अटैक किया था 13 दिसंबर 2001 को अटैक करने का, उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त कारगिल वॉर के जो शहीद थे उनके लिए कॉफिन्स का जो था वो काफी महंगा किया गया था जिसको लेकर कांग्रेस अपोज कर रही थी, जिसके बाद कारण 10:11:20 पे सेशन को स्टॉप कर दिया जाता है और ये 40 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है, जिसके वजह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी अपने अपने रेसिडेंस पे चले जाते हैं। उस वक्त पे जो VVIP जो थे वो थे आडवाणी, जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह और प्रमोद महाजन, ये लोग उस वक्त मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर। और 11:30 पे
आयरन गेट जो था, जो बाहर की गेट है टोटल सात, उसमें से गेट नंबर दो पे टेररिस्ट की कार पहुंची और वो लोग सारी सिक्योरिटी चेक का ऑलरेडी इंतजाम लोग करके आते तो अंदर घुस जाते। लेकिन उनकी एक मिस्टेक ये होती है कि सारे प्लान तो उन्होंने प्रॉपरली तैयार किया था, लेकिन यूजुअली जो पार्किंग एरिया है यहाँ पे जो गेट्स पे जाने का होता है वहाँ पे नॉर्मल स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ये लोग काफी स्पीड में चलते थे जिसके कारण वहाँ पे जो सिक्योरिटी कर रहे थे जेपी यादव उनको शक होता है और वो कार रुकवाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण ये कार और तेज हो जाता है। और गेट नंबर 11 पे जहाँ पे वाइस चेयरमैन का कॉन्वे था वेट कर रहा था उनके आने का, उसको जाके ये लोग हड़बड़ी में हिट कर देते हैं जिसके बाद जेपी यादव ड्राइवर को पकड़ लेता है। जब ये उसे पकड़ रहे थे उसी वक्त सारे जो टेररिस्ट हैं वो गाड़ी से बाहर और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया जिसके बाद एएसआई जीतन राम ने जो ऐलान था उसे चला दिया था। लेकिन तब तक इन लोगों ने गार्डनर जेपी यादव को मार दिया था। गेट नंबर 1 पे सीआरपीएफ के जवान ने मोहम्मद को मार दिया जो कि इनका लीडर था, सबसे पहले लीडर इनका मारा गया। उसके बाद जब ये चीजें बाहर चल रही थी तो जो भी एमपीज अंदर थे पार्लियामेंट के अंदर वो काफी ज्यादा डर गए जब गोलियों की आवाज सुनी और बम्स की आवाज सुनी और वो लोग अपने टेबल्स के अंदर छिप गए। इसके बाद प्रमोद महाजन जो कि स्पीकर थे वो आडवाणी को अपने कैबिन में ले गए जहाँ पे ये लोग सीसीटीवी पे सारे जो भी अटैक्स हो रहे थे इसे देख रहे थे। उसके बाद का जो बात है वो ऐसा है कि जो संतोष सिंह है सीआईएसएफ के कांस्टेबल, ये अकेले ही तीन जो टेररिस्ट हैं हमजा राणा और राजा इनको गेट नंबर 9 पे मार देते हैं। इसके बाद हैदर जो आखिरी टेररिस्ट बनता है जब सारे गेट्स क्लोज हो गए थे तो ये कोशिश करता है कि केबल्स के थ्रू ऊपर चढ़ जाए, लेकिन तभी वहां पे खड़े श्यामवीर सिंह ने भी उसे गोली मार के वहीं खत्म कर दिया। 12-15 तक सारे टेररिस्ट मारे जा चुके थे। गार्डन्स में काफी ज्यादा इन लोगों ने एक्सप्लोजिव फेंके हुए थे जो कि अभी भी ब्लास्ट कर रहे थे धीरे धीरे, तो जिसके कारण डर का माहौल था। और धीरे धीरे जब इन चीजों को शांत हुई तब इनके कार्स को जब खंगाला गया तो उसमें से ड्राई फ्रूट्स और एक्सप्लोजिव मिले, मोहम्मद की बॉडी से 3 सिम्स मिले। हरपाल सिंह जो कि लकी मोटर्स के ऑनर थे ये जब टीवी पे अपनी गाड़ी को देखते हैं तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और साथ ही में ये लोग टेररिस्ट की फोटो और डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं जो कि फेक थे और वहां पे ये पुलिस को बताते हैं कि कैसे इन लोगों ने इनसे ये कार लिया था उधार पे कुछ दिन के लिए। पुलिस इसके बाद से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सारी सिम्स पे कॉमन नंबर पाती और उसके बाद उन सभी सिम्स को ये सर्विलेंस पे लगाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी वो की गई थी गिलानी के द्वारा जो कि इनका साथीदार था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि अफजल और शौकत ने जो अपना सिम खरीदा था वो खरीदा था कैश पे, लेकिन वहीं गिलानी जो अपना सिम खरीदा हुआ था उसने गलती से एसबीआई कार्ड के थ्रू खरीदा था जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद पुलिस ने जब गिलानी को पकड़ा तो उसने अपने सारे क्राइम्स को एक्सेप्ट किए, साथ ही साथ उसने सबको डिटेल बताया और उसने अफजल और शौकत का नाम भी रिवील कर दिया। इसके बाद जब पुलिस शौकत के घर पहुंची तो वहां अफसाना गुरु को अरेस्ट किया और अफसाना गुरु ने बताया पुलिस को कि अफजल और शौकत का लोकेशन अभी जो है वो श्रीनगर में, जहाँ पे ये लोग जब पहुंचे वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने वहां पे इन लोगों को भी अरेस्ट किया और जहाँ पे शौकत और अफजल के पास से 10 लाख रुपए और लैपटॉप बरामद हुआ, साथ ही साथ एक नोकिया का फोन भी बरामद हुआ। 20 दिसंबर को एसीपी राजवीर सिंह ने इन सबको मीडिया के सामने लाए और जहाँ पे अफजल ही मीडिया से बात किया और उसने सारी स्टोरीज बताई कि कैसे उन लोगों ने ये सारे मामले को अंजाम दिया और गाजी बाबा के बारे में बताया जो कि उसका कहना था कि वो डिफरेंट ऑपरेशंस को इनिशिएट करता है लेकिन उसके लिए वो अलग अलग लीडर्स चुनता है जो कि मिशंस को अंजाम देते हैं। इसके बाद जब कोर्ट ने इसके बारे में जांच की और तब ये निकल गया कि गिलानी और जो कि शौकत की वाइफ है ये लोग फुली इन्वॉल्व नहीं थे इसलिए इनको रिलीज कर दिया गया। शौकत को 10 साल का इम्प्रिजमेंट हुआ क्योंकि उसने ही उन्हें घर प्रोवाइड किया था और अफजल को 9 फरवरी 2013 को फांसी चढ़ा दिया गया। जब ये चीजें हुई तब देश के अंदर इन चीजों को लेकर नारे लगे। देश के प्रतिष्ठित संस्थान जेएनयू में वहां के छात्र नेता ने ये नारा लगाया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। तो इन सब चीजों के बाद जब इंडिया के अंदर जो चीजें चल रही थी वो भी मैं बताता हूँ। जो इंडिया ने पाक के ऊपर एक्शन लिया तो पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने एक्शन लिया वो ऐसा था कि 21 दिसंबर को भारत ने अपना जो हाई कमिश्नर था पाकिस्तान उसे विदड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ जो भी फ्लाइट थे उन्हें कैंसिल कर दिया और 7 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया। इसके रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने अपने 3 लाख सोल्जर्स लगाए थे बॉर्डर पर जो कि भारत के मुकाबले तो काफी कमजोरी थे, साथ ही साथ जो भी आर्मी पर्सनल थे उनके हॉलीडे कैंसिल कर दिए गए। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से पूरी दुनिया में एक टेंशन बन गया। यूएसए रसिया यूएन सब इन्वॉल्व हो गए कि इन मैटर्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। यूएसए इसलिए भी इन्वॉल्व था क्योंकि वो अफगानिस्तान में बिजी था जहाँ पे वो तालिबान से लड़ाई कर रहे और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था। तो इसके बाद से इन सभी ने मिलकर इस मामले को पीसफुली सॉल्व करने का प्लान बनाया और कुछ वार तो नहीं हुआ इसके बाद। तो ये था पूरा मामला। आपको क्या पसंद आया ये वीडियो जरूर बताइए, आपका जो भी रिस्पॉन्स हो डिसलाइक भी कर सकते हैं लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।